एक बार हम चलते हैं हमारे संवाददाता आशीष के पास, जो जीत का जश्न मना रहे लोगों से बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में जनता ने अपना जनाधार दे दिया है। बीजेपी और एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है और इसको लेकर के प्रदेश भाजपा कार्यालय में उत्साह का माहौल है, जश्न का माहौल है। हम दिखाना चाहेंगे आपको किस प्रकार से लोग यहाँ पर जश्न में जुटे हुए हैं। ढोल नगाड़े यहाँ पे बजाए जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है, बधाई देने में यहाँ पे लोग जुटे हैं। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, सभी लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस जीत को लेकर के, कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे। आईटी सेल के प्रमुख हैं यहाँ पर, उनसे जानेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे इस जीत को? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत है। अगर आप देखें तो पिछली बार से भी अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में इस बार आई है और ये देश का विश्वास है जो देश ने पुनः नरेंद्र मोदी जी में दिखाया है। आज आप देखें, 6 महीने पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें राजस्थान को एक जनता ने मौका दिया था कांग्रेस को शासन करने का, परंतु पिछले 6 महीनों में जिस प्रकार से कांग्रेस का कुशासन राजस्थान की जनता ने भुगता वो देख करके आप देखिए आज रिजल्ट क्या है। देश भर में तमाम मुद्दे थे, जीएसटी, नोटबंदी, राफेल, लेकिन जनता ने फिर भी बीजेपी को जनाधार दिया है। क्या देखिए, वो मुद्दे नहीं थे, वो बनाए हुए मुद्दे थे। अगर आप देखें तो देश में केवल एक मुद्दा था, वो था राष्ट्रवाद और विकास। जिस राष्ट्रवाद और विकास को लेकर माननीय मोदी जी ने पिछले 5 सालों में देश में शासन किया, उस शासन पर आज देश की जनता ने मोहर लगाई है और भाजपा को आशीर्वाद के रूप में पुनः भाजपा को एक बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया है और ये देश में एक बहुत बड़ी देश की जनता की जीत है, बहुत बड़ी विजय है। कुछ महिला पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या मानते हैं इस जीत को लेकर? इस पूरी जीत की बधाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और देश की पूरी आवाम जनता को, किसानों को, युवाओं को और महिलाओं को। विशेष रूप से उनका मतदान प्रतिशत बहुत अच्छा रहा। मैं एक बार पुनः पूरी भारतवर्ष की जनता को तहे दिल से बधाई देता हूँ जो इतना अच्छा जनादेश हम लोगों को दिया है। क्या मुद्दे थे जो चुनाव में जिसको लेकर के जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया है? निष्पक्ष, साफ सरकार, अच्छी जो है बेरोजगारों को रोज देने वाली उज्ज्वला योजना सरकार की, ये जितनी तमाम योजनाएं थी जनता को दिख रहा था कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय मोदी जी आज वर्ल्ड में हमारी पूरी छाप है और विश्व गुरु बना के रहेंगे। तो ये थे बीजेपी के पदाधिकारी जो कि जीत से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। वंदे मातरम के नारों से यहाँ पर माहौल पूरा गुंजायमान है, एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भाजपा प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हैं और इस जीत को लेकर के पूरा उत्साह है, जश्न का माहौल। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग ढोल नगाड़ों पर नाचते गाते नजर आ रहे हैं, किस प्रकार से लोग जश्न मनाने में जुटे हैं। अब एक बार फिर से देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ आशीष तिवारी, A1 TV, जयपुर। चलिए, ये है भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल। भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं।